लिए चल रहे हैं देवास, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर रोड शो कर रहे हैं। बता दें आपको कि चौथा और आखिरी चरण जो है उसमें मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है, और इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो देवास की सीट भी इसमें शामिल है, और इसीलिए पूरी ताकत लगाती हुई बीजेपी यहां पर नज़र आ रही है। मालवा और निमाड़ की सीटों पर दरअसल 8 सीटें हैं जहाँ पर अब चुनाव होगा। चौथा चरण जो है 13 तारीख को चौथा चरण है, और इसके लिए अब पूरी ताकत यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जनता के बीच पहुँचे हैं और यहाँ पर जनता से आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं कि आशीर्वाद हमें दीजिए। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। देवास से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इस रोड शो को सफल बनाने के लिए पहुँचे हुए। ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत भी हो रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है इस चुनाव को जीतने के लिए। लोकसभा का चुनाव है और चौथा और आखिरी चरण मध्य प्रदेश में जो है वो 13 तारीख को होना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वोटिंग प्रतिशत जो कि बीते पहले के दो चरण जो रहे उसमें वोटिंग प्रतिशत जो है कम रहा, और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि तीसरा चरण जो रहा उसमें पहले दो चरण के अपेक्षाकृत वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रहा, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और देवास सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, बता दें कि इंदौर से तो सटी हुई सीट ही है, और देवास में प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं कि आशीर्वाद हमें दीजिए। कई सारे मुद्दे भी गिनाए जा रहे हैं।